हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सो मीन्स आर्ट। सो आज हम आपके साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ, जो एक सॉल्ट पेपर का कंटेनर है जो डाइनिंग टेबल पे रखने। इसके लिए मैं 3 डाबर हजमोला का कंटेनर लिया। तो पहले इसको मैं क्लीन कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा लंबाई करके पेपर टेप लगा दिया। एक यू लगाया ये मैंने बाद में बताती हूँ। तीनों में मैं इसी तरह कट करके पेपर टेप लगा दिया। अब मैं एक मैन और एक वुमेन का फेस करूँगी। इसके लिए मैं पहले क्ले लेकर इसका नोज, लिप और आईज बनाऊंगी, और इसका मैं आइसक्रीम स्टिक से इसी तरह करके डिटेल सेट करूंगी। लिप को मैं इसी तरह बना लिया। तो ये मेरा वोमेन का जो फेस है वो रेडी हो गया। अब मैं मैन का फेस रेडी करूँगी, उसी तरह ही करूँगी। थोड़ा थोड़ा पार्ट में स्किप करूँगी क्योंकि ए एक मैन है और ओ एक वोमेन था। अब मैं इसका ढक्कन को थोड़ा डिटेल सेट करूंगी क्ले के हेल्प से, और कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिज़ाइन भी ऐड करूंगी। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन में किया। अब मैंने इस थ्री बॉटल्स को जेसो का एक कोट अप्लाई कर लिया, और इसे ड्राई होने के लिए कुछ देर रखना पड़ेगा। तो जब ये ड्राई हो गया तो इसे मैं ब्लैक कलर के साथ थोड़ा ब्राउन कलर मिक्स करके मैन और वुमेन को कलर कर लिया। अब इस ढक्कन को भी मैं कलर करूँगी। तो मैं इसे रेड, ब्लैक और वाइट एंड गोल्डन कलर से ही प्रिंट करूँगी। तो दो ढक्कन को मैं ब्लैक और एक को मैं रेड कर लिया। अब गोल्डन से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, और जो मैन है उसका नोज़ भी मैं गोल्डन ही करूँगी। जो गोल्डन कलर का करना था वो मैं कर लिया। अब मैं वाइट कलर से इसका आईज पेंट करूँगी, और लिप को मैं रेड कलर से पेंट करूँगी। अब मैंने और कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिटेल सेट कर रही हूँ। आप आपके मनपसंद कुछ डिजाइन इसे ड्रॉ कर सकते हो, बट मैंने कुछ इजी सा ही डिज़ाइन ड्रॉ किया।
मेरा वो मैन और वुमेन का फेस रेडी हो गया। अब मैं मिडिल के कुछ रखने के लिए एक बटल को कुछ डिज़ाइन से ड्रा करूँगी, तो इसलिए मैंने फिर पहले इसे पिंक कलर से पेंट कर लिया। पर वो ड्राई होने तक मैंने एक स्प्रे बनल के लिए कुछ कार्डबोर्ड को कट कर लिया। तो पहले मैंने दो बड़ा साइज का कार्डबोर्ड कट कर लिया, क्योंकि जो मैं नीचे वाले पोर्शन के दूंगी वो थोड़ा बड़ा है और ऊपर का थोड़ा छोटा है, और साइड में देने के लिए भी मैंने माप करके कुछ चार कार्डबोर्ड कट कर लिया और ग्लू के हेल्प से इसे अटैच कर दिया। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पेपर टेप लगा दिया। अब मैंने जो पिंक कलर किया था वो ड्राई हो गया, तो इसके कुछ मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं अच्छा डिज़ाइन ड्रॉ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं इजी सा कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये भी मैंने रेडी कर लिया, अब स्ट्रे को मैं रेडी करूँगी। तो इसका जो राफ एजेस है, इसको मैं स्मूथ बनाने के लिए न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा कट करके ग्लू लगा के इसके न्यूज़पेपर को इसके ऊपर लगा दूँगी। और भी स्मूथ बनाने के लिए मैंने एक पेस्ट रेडी किया, 2 चम्मच बॉल पुट्टी और 2 चम्मच वाटर और 1 चम्मच ग्लू लेकर मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया और फिर इसके ऊपर मैं इसे लगा दूंगी। मैं थोड़ा कलर ऐड किया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर लिया। और इसके ऊपर मैं कुछ रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर से इसे डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। और इसके मिडल में मैं कुछ और भी कलर ऐड करना था, तो इसलिए मैंने पेपर टेप लेकर इसका चारों तरह मैं वाइट कलर से पेंट कर लिया और मिडल वाले पोर्शन को मैं किसी और कलर से कलर करूँगी। और इसे अच्छा दिखने के लिए मैंने चारों तरह डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया और इसका जो पेपर टेप लगा दिया था इसके मिडल वाले पोर्शन को मैं गोल्डन कलर से बॉर्डर कर दूंगी। आप कोई भी डिज़ाइन इसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इस डिज़ाइन को किया। अब हो गया मेरा रेडी 3 सेट का कंटेनर। पहले मैं जो पेपर टेप को इस बोतल के ऊपर लगाया था, अब मैं उसको उठा दूंगी। वो टेप मैंने इसीलिए लगाया था क्या कि उसके अंदर जो भी चीज़ मैंने रख दूँ वो मुझे दिखाई दे। अब इस ट्रे को स्टैंड बनाने के लिए मैं क्ले लेकर छोटा छोटा गोला बना के इसके स्टैंड बना लिया। अब इस सबको मैं वर्निश का एक कोट अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह सबको मैं वर्निश लगा लिया। स्टैंड को मैं कलर करना भूल गया, तो मैं इस छोटा छोटा स्टैंड को मैं कलर कर लिया। अब हो गया मेरा रेडी आज का DIY। तो आपको अगर मेरा ये DIY अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना।
मिलती हूँ नेक्स्ट DIY लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।